समुद्र के नीचे क्या है? क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी के 75% भाग पर जिस समुद्र का कब्जा है उसकी गहराई आखिर कितनी है? और जिस समुद्र के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है उसके अंदर क्या क्या है? यदि आपका जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज हम आपको समुद्र की यात्रा करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर समुद्र गहरा कितना है और इसने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, पृथ्वी में जितना जल है वो पृथ्वी के कुल वजन से भी 10 गुना ज्यादा है। पृथ्वी के लगभग 75% पर समुद्र और 25% भाग पर जमीन का हिस्सा है। समुद्र हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो जाने के बाद भी हम समुद्र के बारे में जितना जान पाए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत से भी कम है। आज हम समुद्र के बारे में जितना जान पाए हैं वो केवल उसके हिस्से का 5% ही है। कौन से हैं वो राज जो समुद्र की गहराइयों में दफन है? तो चलिए आपको ले चलते हैं समुद्र की यात्रा पर। दोस्तों, समुद्र की यात्रा में जाने से पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी में इन समुद्रों का निर्माण कैसे हुआ और इतना पानी आया कहां से? इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र के जिस सबसे गहरी जगह का अभी तक पता चल पाया है वो मेरियाना ट्रेंच है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है जिसकी गहराई 11,034 मीटर नापी गई है, जो कि लगभग 36,200 फीट के बराबर है। समुद्र की सबसे गहरी इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप ये जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि ये समुद्र की गहराई का अंत नहीं बल्कि इंसानों द्वारा नापी गई केवल आज तक की सबसे गहरी जगह है। इस जगह में सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। समुद्र में इंसान केवल 100 मीटर की गहराई में ही बिना किसी इक्विपमेंट के जा सकता है। लेकिन उससे और ज्यादा गहराई पर जाने पर पानी का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। चैलेंजर डीप में पानी का दबाव 1100 बार के बराबर होता है। ये दबाव उतना है जितना यदि 100 हाथियों का वजन आपके एक हाथ पर रख दिया जाए। इस जगह की गहराई का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि यदि यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी डुबो दिया जाए तो भी 3 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया बच जाएगा। दोस्तों, अब बात करें समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की, तो हम इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि समुद्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि जब 25% भूभाग पर इतनी बड़ी मानव सभ्यता का विकास हो रहा है तो 75% भाग पर फैले समुद्र में कौन कौन से जीव होंगे ये हमारी कल्पना से भी परे है। बहरहाल, समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले जीव जंतु धरती में पाए जाने वाले जीवों से बिल्कुल अलग होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है और कुछ तो ऐसे हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। महासागर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाले जीवों और बैक्टीरिया का भंडार मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक समुद्र में 2 लाख से ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां मौजूद है। इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस की 35 से लेकर 40,000 के बीच प्रजातियां मौजूद है। वहीं अगर पेड़ पौधों की बात करें तो समुद्र में 1.5 लाख से भी ज्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जीवों में सबसे बड़ी मात्रा मछलियों की है। समुद्र में विशाल शरीर वाली व्हेल, चमकने वाली मछलियाँ, शिकारी स्पर्म व्हेल, ड्रैगन जैसे दिखने वाले खतरनाक मछलियों समेत हजारों मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों के अलावा समुद्र में जहरीले सांप और भयानक सूंड वाले ऑक्टोपस भी भारी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा समुद्र में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े और झींगों की संख्या भी करोड़ों में है। समुद्र में 2 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले कीड़े देखने को मिलते हैं। समुद्र में लाखों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। समुद्र में पाए जाने वाले अधिकांश पौधे लाल, भूरे और हरे शैवाल होते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है तो आपका चौंकना बिल्कुल लाजमी है। दरअसल प्रशांत महासागर में मौजूद मौना कोआ माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की कुल ऊंचाई 10,210 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3300 मीटर से भी ज्यादा है। लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मात्र 4205 मीटर है और बाकी का 6000 मीटर हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है। अब क्योंकि सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से नापी जाती है इसलिए माउंट एवरेस्ट इस पर्वत से ऊंचा हो जाता है। और प्रकृति की नजाकत तो देखिए, इतनी गहराई में होने के बावजूद ये पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा पूर्वी प्रशांत महासागर में डीप सी वेंट नाम का एक विशाल ज्वालामुखी है।
ये ज्वालामुखी प्रकृति का एक अजूबा माना जाता है क्योंकि प्रशांत महासागर के अंदर लगभग 8000 फीट नीचे है। यदि आप आज तक यही सोचते आए हैं कि नदियां सिर्फ धरती पर बहती हैं, तो आप गलत साबित होने वाले हो क्योंकि समुद्र के अंदर भी बहुत सारी नदियां बहती है। यह सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यदि समुद्र में नदियां हैं तो उनका पानी समुद्र के पानी से अलग कैसे होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्र के अंदर नदियों के बनने के पीछे 3 कारण है, जिसमें पहला कारण समुद्र के अलग अलग जगहों पर पानी का अलग अलग घनत्व है। समुद्र के अंदर एक ही घनत्व वाला पानी एक साथ मिल जाता है और बड़ी धारा बना लेता है जो समुद्र के पानी से अलग होता है और जिसकी हलचल अलग ही नजर आती है। इसका दूसरा कारण समुद्र की अलग अलग जगह पर सूरज की किरणों का एक समान ना पहुंच पाना भी है। इसके कारण कहीं पर पानी गर्म तो कहीं पर ठंडा रहता है। पानी के तापमान में ये अंतर भी धाराओं के पैदा होने का कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी समुद्र के अंदर धाराओं के जन्म का कारण बनता है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने से समुद्र के जल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दबाव बनता है। समुद्र के अंदर बहने वाली धाराओं में सबसे बड़ी गल्फ की धारा है। एक अनुमान के मुताबिक ये धारा इतनी बड़ी है कि यदि धरती की सारी नदियों का पानी एक साथ भी मिला दिया जाए तो भी इस धारा के पानी से कम ही होगा। गल्फ की धारा का पानी गर्म है, जो कि पूर्वी अमेरिका के किनारों से होते हुए उत्तरी यूरोप की ओर बहता है। इसके अलावा समुद्र में और भी धाराएं हैं, जिनमें मुख्यतः ब्राजील की धारा, जापान की धारा और उत्तरी भूमध्य धाराएं शामिल है। खैर, अभी हमने जिन चीजों की बात की वो प्रकृति द्वारा समुद्र को दिए गए हैं, और अब बात करेंगे समुद्र में पाई जाने वाली उन चीजों की जो इंसानों ने समुद्र को दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसानों द्वारा समुद्र में डाले गए कचरे की। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 2 करोड़ टन से भी ज्यादा कचरा समुद्र में इंसानों द्वारा फेंका जाता है, जिसके कारण हर साल 1 लाख से ज्यादा जलीय जीवों की मौत हो जाती है। समुद्र में प्लास्टिक इस कदर फैल चुका है कि दुनिया की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में भी प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। आज समुद्र के औसतन प्रति मील वर्ग में लगभग 46,000 से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल किया था कि समुद्र का निर्माण आखिर कैसे हुआ है, तो चलिए हम इसका जवाब देते हैं। समुद्र के निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से भी समुद्रों का निर्माण हुआ, ऐसा संभव है। लेकिन समुद्रों के निर्माण का सबसे मजबूत कारण ये माना जाता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी एक आग का गोला थी। शुरुआत में बहुत सारे उल्का और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए, जिसके कारण इसकी सतह पर बहुत विशाल गड्ढे बन गए। पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडा होने से उसके चारों तरफ गैस के बादल बनते गए, जिनसे पृथ्वी पर कई लाखों वर्षों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई और पृथ्वी के गड्ढे भरते गए, जिन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।